नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। सोमवार 22 जनवरी, रामलला के आगमन की घड़ी, प्रभु श्री राम की भव्य, नव्य और दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन। अयोध्या ही क्यों, समूचा देश भगवान राम के आगमन पर प्रफुल्लित है, उत्साहित है, आह्लादित है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी नगरी धर्म और आध्यात्म के रंग में सराबोर है। राम भक्तों का उत्साह सरयू की लहरों से टकराकर नव निर्मित भव्य राम मंदिर की चमक को और भी बढ़ा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मशहूर हस्तियों, साधु संतों, उद्योगपतियों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को न्योता मिला है। दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी पर टिकी हुई हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 पर और 8 सेकंड से 12:30:32 तक का रहेगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्यान रखा है कि राम के दरबार में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्यों के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। इस दौरान 150 से अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा। मेहमानों को 10:30 पर राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करना होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह के लिए केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कार्ड पर बने QR कोड के मिलान के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रवेशिका का एक प्रारूप भी साझा किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगाएगी। इसके अलावा अयोध्या मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सोमवार को अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान रखा है। पीएम ने इसे अपने मजबूत संकल्प के सहारे सिद्ध कर अपने आध्यात्मिक जीवन के विशेष पहलू को सभी के सामने रखा है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक धाम पंचवटी से शुरू किए गए अनुष्ठान के दौरान शास्त्रों में वर्णित कठोर व्रत और नियमों का पालन किया। पीएम ने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से उन्हें जो मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने श्री राम कुंड पर भी दर्शन और पूजा की। पीएम ने रामायण का महाकाव्य सुना, विशेष रूप से युद्धकांड खंड जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी का वर्णन है, इसे मराठी में प्रस्तुत किया गया और प्रधानमंत्री ने एआई अनुवाद के माध्यम से हिंदी संस्करण सुना। पीएम ने नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश स्थित पुट्टुपर्थी के लिपाक्षी ग्राम स्थित वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजा की। प्रधानमंत्री ने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने और आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला, जिसे थोलू बोम्बालता के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से प्रस्तुत जटायु की कहानी देखी। पीएम मोदी ने 17 जनवरी को केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मंदिर की दिव्य ऊर्जा अपरंपार है। उन्होंने कामना की कि हर भारतीय सुखी और समृद्ध रहे। प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी को केरल के त्रिप्रयार में श्री रामस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी अवलोकन किया और कलाकारों और बटुकों को सम्मानित भी किया। पीएम ने कहा कि मलयालम में श्री आध्यात्म रामायण के छंद और अन्य भजन सुनना भी बहुत खास रहा। प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी को तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर में कंब रामायण की चौपाइयां भी सुनी, जहां महान कंबन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी रामायण प्रस्तुत की थी। पीएम ने कहा कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का अवसर पाकर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस मंदिर के साथ प्रभु श्री राम का संबंध बहुत ही पुराना है। प्रधानमंत्री ने इसी दिन तमिलनाडु के अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। पीएम ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम से सुदूर दक्षिण स्थित अरिचल मुनाई गए और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वहां ध्यान भी लगाया। ऐसा माना जाता है कि अरिचल मुनाई पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। इसके अलावा पीएम मोदी ने धनुषकोडी में कोठंडा राम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये मंदिर श्री कोठंडा राम स्वामी को समर्पित है। कोठंडा राम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ऐसा कहा जाता है कि कोठंडा रामस्वामी मंदिर में विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। रविवार को अनुष्ठान के छठे दिन विभिन्न अनुष्ठान हुए। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान छठवें दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। 114 कलशों में औषधि युक्त जल और देश के विभिन्न तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से श्री रामलला की मूर्ति का स्नान संपन्न हुआ। श्री रामलला के विग्रह को रविवार को मध्याधिवास में रखा गया। श्री रामलला के पुराने विग्रह की भी पूजा यज्ञशाला में हुई। रविवार की पूजा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से अनिल मिश्र सपरिवार और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर आर एन सिंह एवं अन्य लोग पूजा अनुष्ठान में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राम एंथन नाम से एक वीडियो सॉन्ग शेयर किया है। राम की नगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। 10,000 से अधिक सीसीटीवी एक एक पल को कैद कर रहे हैं। चेहरों का रिकॉर्ड रखने वाले एआई कैमरे जल जमीन से लेकर आसमान तक सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा में सीआरपीएफ से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती की गई है। भारी वाहनों की आवाजाही पर इस दिन प्रतिबंध रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर
बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ आ जा मेरे शेर, आ जा। कैसे कहा था मैंने, क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पहने कंडो मर्द। शाबाश। और मैंने कैसे खाया था, क्या होती है छिछुरों की निशानी? ये पहले साल में बच्चा बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल चल चल। अच्छा सन्ना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो बुड़बा। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर? जी। मैंने लगाया था। कब? कब? 26 दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अभी ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी पाइप नहीं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में लगभग 13,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों का अभेद्य सुरक्षा घेरा होगा। सरयू नदी की ओर से SDRF और NDRF को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की तरफ से भी 4 कंपनी लगाई गई है। RAF की 50 से ज्यादा महिला कमांडो लगाई गई हैं। अयोध्या में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर यूपी पुलिस डायल 112 का निगरानी केंद्र बनाया गया है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए सिनेमा जगत और दूसरे क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां अयोध्या पहुंचने लगी हैं। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की और मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं अभिनेता रजनीकांत भी अयोध्या पहुंचे। अभिनेता मनोज जोशी ने कहा कि मैं इस समय बहुत भावुक हूं, मेरे पूर्वजों के कुछ पुण्य होंगे जिसके कारण निमंत्रण मिला है और मैं अयोध्या में आया हूँ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर पवन पुत्र को प्रसाद चढ़ाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए कई गायक, संगीतकार शंकर महादेवन और संगीतकार अनु मलिक अयोध्या में समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले, अभिनेता रणदीप हुड्डा भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। अभिनेता अनुपम खेर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मन में बहुत भावनाएं हैं, बहुत सालों तक हमने इस शुभ दिन का इंतजार किया। फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेता विवेक ओबेरॉय अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या में रोशनी से जगमग किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर हनुमानगढ़ी मंदिर को रोशनी से सजाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामकथा पार्क में भगवान राम और राम मंदिर को चित्रित करने वाली रेत कला के साथ एक सेल्फी ली।
दिल्ली में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर बिरला मंदिर को सजाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में आयोजित दीपोत्सव में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम में कल ड्राई डे रहेगा, रेस्तरां भी इस निर्देश का पालन करेंगे। कोई भी रेस्तरां दोपहर 2 बजे तक नॉनवेज खाना नहीं परोसेगा और मांस या मछली की दुकानें शाम 4 बजे से पहले नहीं खुलेंगी। राजस्थान में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जयपुर के मोतीनगर डूंगरी गणेश मंदिर से राजा पार्क श्री राम मंदिर तक आयोजित कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के जयपुर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर श्री राम की मूर्ति बनाई। पश्चिम बंगाल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर हावड़ा में पटाखे फोड़े गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के समलेश्वरी मंदिर में दर्शन किए और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कस्बेश्वरी मंदिर में पूजा की और दिए भी जलाए। महाराष्ट्र के मुंबई में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुंबा देवी मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया गया। नेपाल में जनकपुर धाम में धूमधाम और उल्लास के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहर में 24 घंटे भगवान राम और सीता के भजन गूंज रहे हैं। अमेरिका के कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सैन फ्रांसिस्को में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भारतवंशी अमेरिकियों ने कार रैली निकाली। वहीं न्यूजर्सी का गायत्री चेतना केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के नियमन मंत्री डेविड सेमोर ने जय श्री राम बोलते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी सहित भारत के लोगों को बधाई देता हूं। डेविड सेमोर ने यह भी कहा कि उन्हें राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी। सुलभ संस्कृत क्लास मॉरिशस की ओर से भी मॉरिशस में राम ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में 50 बच्चों ने अभिभावकों सहित हिस्सा लिया। मॉरिशस में राम ध्वज यात्रा के लिए भारत से विशेष रूप से राम ध्वज मंगवाए गए। यात्रा में छात्रों द्वारा राम नाम का संकीर्तन एवं राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ किया गया। यात्रा के दौरान बच्चों ने आनंद के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। यूरोपीय देश नीदरलैंड में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जश्न के तौर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या के राम मंदिर की स्मृति में व्यक्तिगत डाक टिकट और एनवेलप जारी करने का फैसला किया है। वहीं ताइवान में भारतीय समुदाय ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाया। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की दिव्यता और भव्यता को देश दुनिया तक पहुंचाने की प्रसार भारती दूरदर्शन ने बड़ी तैयारी की है। इसके जरिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव सजीव प्रसारण राम भक्तों और श्रद्धालुओं तक देश दुनिया में पहुंचाया जा सकेगा। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण के लिए प्रसार भारती दूरदर्शन ने करीब 50 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे मंदिर परिसर और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर लगाए हैं। मंदिर की दिव्यता और भव्यता को दिखाने के लिए कई जिमेजिप भी लगाई गई हैं ताकि मंदिर का विहंगम दृश्य दर्शकों तक पहुंच सके। प्रसार भारती दूरदर्शन ने विशेष व्यवस्था की है। गर्भगृह में भी स्पेशल अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूजा विधि को पूरी दुनिया में लाइव देखा जा सके। प्रसार भारती दूरदर्शन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पूजा का प्रसारण किया जाएगा। दर्शक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे। डीडी न्यूज के द्वारा सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी से विशेष कार्यक्रम का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिसके लिए वहां भी इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के मुख्य स्थानों पर भी रिपोर्टर्स की बहुत बड़ी टीम इस पूरे कार्यक्रम की पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने कहा कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान आज हैदराबाद में शुरू किया गया है।
ये दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एक छोटा सा ब्रेक। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर रामभक के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है, जियो पेपर प्राप्त हुए, लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर रामभक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर? जी, मैंने लगाया था। कब? कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, फिर हिड़ियां बदलेंगी पाइप नहीं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लंबिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर रामभक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी है। गणतंत्र दिवस परेड पर दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी के लिए भारतीय सेना के जवानों ने रिहर्सल की। 105 mm फील्ड गन स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर राज्य दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मणिपुर ने भारत की प्रगति में एक मजबूत योगदान दिया है, मैं मणिपुर के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बंद रहेंगे। अयोध्या में होने जा रहे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। गाजा में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास और इसराइल के बीच छिड़े युद्ध को 3 माह से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच इसराइल की सेना हमास की एक महत्वपूर्ण सुरंग में दाखिल होने में कामयाब हो गई है। विदेश में हिंदी भाषा के प्रसार की ताजा कड़ी में अब अमेरिका के कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूल में विश्व भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला लिया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईंराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को फाइनल मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। टीम ने ब्लोम फाउंटेन में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 84 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले को पाकिस्तान ने 42 रन से जीत लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने 5 मैच की सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया। हॉकी विश्व कप में भाग लेने के लिए तैयार भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला पोलैंड के खिलाफ 24 जनवरी को खेलेगी। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच के जीत का दौर जारी है। वहीं अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
उधर इटली के यानिक सिनर ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रूस के आंद्रे रुबलेव भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। गॉफ 2008 के बाद से 2008 के बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी है। दूसरी वरीयता प्राप्त एरेना सबालेंका ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चेक रिपब्लिक की 9वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेचिकोवा भी अंतिम आठ में पहुंच गई है। यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया के जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी का सोमवार को डच खिलाड़ी वेस्ले कूलहॉफ और क्रोएशिया के निकोला मैक्टिच की जोड़ी से तीसरे दौर का मुकाबला होगा। वुमेन सुपर लीग में आर्सेनल ने एवर्टन को 2-1 से हराया। इस जीत के बाद आर्सेनल की टीम ने मैनचेस्टर सिटी को पीछे छोड़कर खुद को दूसरे स्थान पर ला दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।